नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टुडे तो पे दोस्तों इस वीडियो में आज एक ऐसे मल्टी बैगर पैनी शेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे हिंदुस्तान के वॉरन बफे कहे जाने राकेश झुंडन ने भी इन्वेस्ट किया है ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि राकेश जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टॉक सिलेक्शन करने का जो पैरामीटर है जो क्राइटेरिया है जो आप जानते हैं मैं हमेशा क्वालिटी कंपनीज को चूज करने की कोशिश करता हूँ जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉग होते हैं जिनकी बैलेंस बैलेंसट्स खुद स्टेबल दिखाई देती है जो कंपनी या तो डेट फ्री होती है या उसमें लो डेट होता है या फिर मैनेजेबल डेट होता है या वो कंपनी कैश रिच होनी चाहिए इसकी बैलेंस शीट में काफी अच्छा कैश होना चाहिए क्योंकि जिसके पास कैश है उसी की ऐश है वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता है पांचवा एक ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए आने वाले समय में वो कंपनी क्या कर सकती है किस सेगमेंट से जुड़ी है पब्लिक का उसमें क्या इंटरेस्ट होने वाला है क्या वो कंपनी पब्लिक से जुड़ी हुई है या नहीं वो रिलेटेड है कि नहीं जनरल पब्लिक से क्योंकि अगर आप एफ कंपनीज की बात करें जो जनरल पब्लिक से जुड़ी होती है तो हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है बट हां दोस्तों

कंपनीज़ अगर पेनी स्टॉक्स मिड कैप कंपनी में कन्वर्ट हो जाएं सोच के देखिए तो आपका पैसा मल्टी बैगर हो सकता है आप एक मल्टी बैगर रिटर्न ले सकते हैं यह वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है मुझे जो लगता है जो मेरी स्टडी है जो मेरा एनालिसिस है जो गलत भी हो सकता है मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने इस वीडियो को आपको बनाया है आपको वीडियो पसंद आती है इसलिए मैं आपके लिए ढूंढ के लिए और हां कहा जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है पेनी स्टॉक्स के अंदर में तो पांच से ज्यादा का आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए और उसके अंदर भी आपको एक पेनी स्टॉक के अंदर में सारा पैसा नहीं डालना है कुछ चुनिंदा अच्छे पेनी स्टॉक्स के अंदर में अगर वो पांच से सात परसेंट के आसपास आसपास पोर्टफोलियो अगर आप बना लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसमें से कुछ शेयर्स चल जाएं तो आपके वारे नारे हो सकते हैं और आपके पूरे पूरे पोर्टफोलियो के बराबर के उससे ज़्यादा की रिटर्न्स वो पैनी स्टॉक्स बन दे सकते हैं अगर वो पैनी स्टॉक्स मिड कैप या पॉसिबल लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने में आपकी मदद कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूं ये वीडियो आपके काम आएगी दोस्तों तो अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट आपको पसंद आते हैं ये कंटेंट आपको पसंद आता है मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए लाइक को जरूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करके कर रखिए चैनल को ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें और हाँ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलिया जाए जिसमें जीरोदा एंजल ब्रोकिंग पेटीएम मनी स्टॉक्स कार्ड सारे लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो जहां आप चाहते हैं अपना फ्री डीवेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और आज अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत को कर सकते हैं चलिए दोस्तों ये वीडियो किसी और ज्यादा इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की आपने सबने सुना ही होगा डेल्टा कॉर्प के बारे में डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इज द ओनली लिस्टेड कंपनी एंगेज इज नी यस कसिनो बिजनेस की बात कर रहा हूँ लाइव इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हमें कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे रहोगे ख़राब बट इंडस्ट्री चेंज हो रही है वक्त बदल रहा है आज की डेट में जितना पैसा एक आईटी इंजीनियर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक बीटेक किया हुआ एक इंजीनियर नहीं कमा पाता है उससे ज़्यादा बहुत ही यंग जनरेशन के बच्चे अच्छे गेम्स खेल के पैसे कमा रहे हैं ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग का स्कोप बढ़ रहा है जैसे अगर आपने देखा हो तो ऑनलाइन पोकर ऑनलाइन रमी बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही जबरदस्त बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें डेल्टा गोर्प का एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है कंपनी अपनी सब्सिडीज के साथ साथ में जो कसीनो ऑपरेट करती है इंडिया के अंदर में वो जितना भी बड़ा बिजनेस है कम से कम अट्ठारह गेमिंग पोजिशन कंपनी अभी हाल फिलहाल ऑपरेट कर रही है मैनेज कर रही है देर अर्ली मूवर एडवाटेजेस हेल्प कंपनी ये बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टर्स है अर्ली मूवर एडवांटेज उनको मिल रही है जिसकी वजह से उनकी जो पोजिशन एक लीडरशिप पोजिशन को उन्होंने सिक्योर करके रखा है कंपनी इज होल्डिंग थ्री ऑफ सिक्स ऑफ गेमिंग लाइसेंस

डेल्टा कॉर्प वर्तमान में गोवा में दो होटल और एक विला और दमन में एक होटल का मालिक है इसके अलावा डेल्टा कॉर्प की रमाडा करेबल बीच रिजॉर्ट की होल्डिंग कंपनी में भी पर्याप्त हिस्सेदारी है विद नो ऑपरेशनल इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल डेल्टिन सूट्स इज अन जीरो सिक्स रूम फाइव स्टार होटल इन हाउस कसीनो के साथ फाइव स्टार होटल उत्तरी गोवा में के नरूल में स्थित है डेल्टिन सूट्स दो रेस्टोरेंट

तीन बार फोर रेस्टोरेंट्स, 29,000 स्क्वायर फीट इंडोर इवेंट और 8,000 स्क्वायर फीट हाई एंड रिटेल स्पेस के साथ इट ऑफर्स दी लार्जेस्ट बैंक फैसिलिटी इन दी एरिया इसमें स्पा सैलून जिम और स्विमिंग पूल सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। गेमिंग बिजनेस की बात करते हैं डेल्टा कॉप लिमिटेड भारत के गोवा और सिक्किम राज्यों में कसीनो का मालिक है और लगभग 1800 गेमिंग पोजीशंस ऑफर करता है और बहुत जल्दी दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए कसीनो सोन इन दमन इसके अलावा इन्होंने गॉस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन के माध्यम से तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग स्पेस में भी कदम रखा है जो ऑनलाइन पॉकर साइट कॉम को भी ऑपरेट करता है इस राइजिंग सेक्टर के में एंटर करने के बाद डेल्टा कॉर्प इज ज्वाइंग अर्ली मोर एडवांटेज इन दी हाई पोटेंशियल गेमिंग इंडस्ट्री डेल्टा कॉर्प लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है और इस क्षेत्र एकमात्र लिस्टेड कंपनी है डेल्टा ऑन्स एंड ऑपरेट थ्री ऑफ शो लाइफ इन गोवा

हाई द कंपनी हैज हज अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ माइनस थ्री पॉइंट फोर जो की हुआ है पिछले दो साल में कोविड ने बहुत खराब किया है तीन साल से एक नेगेटिव सेल्स ग्रोथ रही है थोड़ा सा खराब है प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है थर्टी थ्री परसेंट के आसपास में पब्लिक होल्ड करती है 50 के आसपास में और कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो थोड़ा सा अलार्मिंग है बट ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर खराब हो तो कल अच्छी नहीं हो सकती शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात देखी जाए तो रिटेल के पास में फिफ्टी परसेंट के आसपास में है प्रमोटर के पास में थर्टी थ्री परसेंट के आसपास में और एफ आई एस के पास में ग्यारह परसेंट केस पास में शेयर है फ्री क्लैश फ्लो को अगर देखा जाए

कंपनी के डेट बर्डन को देखा जाए तो पिछले पांच साल में कंपनी के पास 243 फोर्टी थ्री करोड का डेट बर्डन था जो पिछले तीन साल में घट के टू पॉइंट नाइन सीआर हो और अभी हाल फिलहाल फाइव पॉइंट थ्री सीआर के क्वाइट अट्रेक्टिव है बट साथ में अगर कैश को देखा जाए जो प्रेजेंट जो डेट बर्डन है इस CR और अभी जो कैश इक्वलेंट उनके पास है फोर्टी फोर करोस मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है जब कंपनी के पास डेट नहीं होती है तो कंपनी एक्सपैंड कर सकती है कंपनी कुछ भी कर सकती है कंपनी के पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे नजर डाली जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी थ्री के आसपास टू से थ्री के में चल रहा है जो हाई रहा था कंपनी का दैट अराउंड काउंडी के आसपास में तो हो सकता है कंपनी जो जो लो बनाया था जनवरी 2020 के आसपास मार्च 2020 के आसपास में जो 50 से 60 रुपए के आसपास का लो बना था तो उसको कंपनी भूल चुकी है और वहां से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ चुके हैं कंपनी कंपनी चुकी है, का हो चुकी है के डेट निकल चुके हैं ऑलमोस्ट और, और कंपनी एक्सपेंशन मोड में है दमन में नया वेंचर डाल रही है नेपाल में भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है और आने वाले ऐसे ऐसे सिटीज ऐसे ऐसे स्टेट्स ऐसे ऐसी कंट्रीज में जहां जहां उसको लाइसेंस मिलते चले जाएंगे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है मुझे क्यों लगता है कंपनी मल्टीपैक हो सकती है उसके पीछे कुछ वजह है चलिए जान लेते हैं सबसे बड़ी

कंपनी है मतलब जैसे आईआरसीटीसी रेल टिकटिंग में एकमात्र कंपनी है उस न्यू uh, जनरेशन तो kind of बहुत ही रिस्क टेकिंग है क्रेजी है गेमिंग के लिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए कसिनो के लिए बहुत क्रेजी मैं इसका इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यंगो जाना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग में जाना चाहिए बट हर तरह के लोग हर कोई अपना अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करता है कोई नौकरी करता है कोई बिजनेस करता है कोई स्पोर्ट्स करता है कोई कुछ भी करता है तब आपको अगर पसंद है अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग में कोई अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो एक अच्छा फ्यूचर हो सकते हैं यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है एक निवेशक के नजरिए से तो आप इस सेगमेंट को इस सेक्टर को पसंद कर सकते हैं तो आप सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैक्रॉस दी बहुत सारे स्टेट्स में आप नीचे दिए गए नंबर पर सेवन एट टू सेवन टू एट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस कहां होने वाली है हम पूरी कंट्री में घूमते रहते हैं और जो भी सीरियस लोग हैं जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चलिए आज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में टेक केयर बाय बाय जय हिंद